आलावे पहले उससे सुना माइनर कर देखो यहाँ इतने प्रेमी बैठे हैं और जो खड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं शादी में आए तो ऐसा नहीं लगे कीर्तन में शादी में आए जो खड़े हो गए बोलो सच्चे दरबार की कोई आया था तो बहुओं ने कहा कि कोई नहीं आया था मनिहारी आया
बोले किसी और ने भी पहनी? बोले नहीं, कोई नहीं था। सेठ जी ने सोचा, मन में छल आ गया है मनिहारे की, नियत खराब हो गई है, पैसा ज्यादा मांग रही थी। ये सोच कर सेठ जी शयन करने गए, राधा रानी को भोग लगाया, खुद ने पाया। जैसे ही शयन को गए, आंखें बंद ही की थी कि राधा रानी रोती हुई स्वप्न में कहने लगी, बाबा मुझे बेटी बनाया, बहू को चूड़ी पहनाना याद रह गया, मुझे बेटी को बेटी बनाकर तब चूड़ी पहनाना कैसे भूल गए, मुझे बेटी को बेटी बनाकर चूड़ी पहनाना कैसे। जैसे ही राधा रानी का दर्शन हुआ, सेठ जी नंगे पांव दौड़े उस मनिहारी के घर जो चूड़ी पहनाने आई थी, जाके दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो मनिहारी के चरण पकड़ लिए कि मैं बेटी बनाकर जिसका दर्शन नहीं कर पाया, तो कितनी बड़े भागी है कि तूने राधा रानी को अपने हाथों से छोड़ दिया।